राम राम सभी को, कैसे आप सब लोग। आज हमारा अयोध्या में सात बातें और आज की शुरुआत हम कोई काम से नहीं, चाय से कर रहे हैं, क्योंकि चाय तो बड़ी अच्छी है। और आज हमने कोई पहले काम नहीं किया क्योंकि आज हम और जल्दी उठ गए। रात में हम दो लोग खाना वितरण करने गए थे, उसके बाद में सीधे एक दो घंटे सोए और चाय पीने के आ गए वहाँ पे। तो आज का दिन हमारा थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि हम बिना काम के डायरेक्ट चाय से हमारी शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी चाय से शुरुआत कीजिए और अपने दिन को अच्छा बनाइए। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, आज मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है, तो ब्लैक शर्ट तो आहा बड़ा प्यारा लगता हूँ ब्लैक शर्ट में तो मैं। बात तो सही है। और हम लोग रेडी हो चुके हैं, हवन भी बस कंप्लीट होने वाला, आरती हो रही है। और आज एक और बात की जो ऊपर से थोड़ा सा पानी आ रहा, मतलब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है। बाकी ये मौसम तो बाइक राइड वाला है, बट हम जा रहे हैं भोजन कराने, तो बाकी बाइक राइड से अच्छा भोजन ही है। तो हम लोग जा रहे हैं भोजन कराने, पहले व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि वो जो पांडाल है राजा रानी का वो बहुत गंदा पड़ा हुआ है। हमारे विक्कू डॉन वहीं हैं, तो हम भी चलते हैं उसको सफाई करवाते हैं, फिर देखते हैं, या फिर हो भी सकता है कि सफाई हो गई हो तो हम वहीं चलते हैं राजा रानी पांडाल में। गाइस मैं पांडाल में आ चुका हूँ इधर से, और उसके बाद में ये देखो झाड़ू लगी रहा है अभी तक, और ये डस्टबिन यहाँ रखा। गाइस मैं भूल गया था कि यहाँ मेरे सौरभ भैया झाड़ू लगा रहे हैं, वो मेरे को मारने आ रहे हैं। मैंने झाड़ू उठा लिया है, दद्दा मैं भी झाड़ू लगा रहा हूँ छोड़ो लगा रहा हूँ। तो अब गाइस मेरे को भी झाड़ू लगाना पड़ेगा क्योंकि दद्दा मेरे को झाड़ू से मार रहे थे। दद्दा गलत बात है झाड़ू से मारना, चलो मैं भी झाड़ू लगाता हूँ गाइस। देखो मैंने इधर का पूरा साफ कर दिया है, और अब आंटी आ गई हैं इधर, ये आंटी आ गई हैं तो बंद कर दिया क्योंकि मैं भी थक गया था यार, इतना बड़ा पांडाल था, मैंने वहाँ तक का साफ कर दिया, तो मैंने इधर का बंद कर दिया। आंटी के आने पे बस आंटी का आ जाए, फिर उसके बाद में सफाई हो जाएगी। जय सिया राम, जय सिया राम। अभी हमारा काउंटर लग ही रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको बस भोजन और लेके आना, मतलब जो व्रत का सामान है वो लेके आना है, उसके बाद में सब राजा रानी को बिठाएंगे हम लोग। गाइस मैंने बताया था कि बारिश आ रही है, जो कि बारिश बहुत तेज हो चुकी है और मैं इससे छुपा हुआ हूँ। ये देखो हमारा पूरा पांडाल पानी से पानी 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 हो गया है, ये देखो पानी भर गया, और ये बाहर तो आप देख ही रहे हो बहुत सारी कीचड़ है, बाकी यहाँ पूरे पांडाल में पानी पानी हो गया। तो गाइस दादी की बातें सुनकर, दादी ने गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ बताया क्योंकि दादी भी 80 साल की थी हमारी, और उसके बाद में वो गुरुजी के साथ में बहुत घूमी है, तो उनसे हमने बहुत सारी बातें की, और राजा रानी को फलाहार करा के हमने खुद ने खाना खा के अब हम हो गए हैं फ्री। अब हम जा रहे हैं कथा सुनने, अगर मन लगा तो कथा सुनेंगे, नहीं तो उठ के हम सोने चले जाएंगे। इस कथा में तो हम लोग बैठे नहीं, बट हाँ हम यज्ञशाला के पास में थे तो हम परिक्रमा देने आ गए। अब हम परिक्रमा दे रहे हैं, फिर उसके बाद में क्योंकि थक तो पहले ही गए हैं, सोने ही जाएंगे हम आराम करने। ये देखो सब लोग परिक्रमा दे रहे हैं यहाँ पे, ये सब ये और सारे लोग दे रहे हैं, ये हमारी यज्ञशाला। इस परिक्रमा हमारी पूरी हो चुकी है और यही गुरुदेव आ चुके थे अभी, तो हम लोग दर्शन भी कर लेते हैं, आप लोग भी कर लो, मैं आपको करा देता हूँ। गुरुदेव जी ये बैठे हमारे गुरुदेव। और हम तो हमारा हो गया है, हमने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं क्योंकि अब ठंड हो गई है, तो हमने हुडी पहन ली है। अब हम जा रहे हैं चाय पीने, चाय वहाँ सामने है, चाय पीते हैं और फिर हमारे काम देखते हैं, क्योंकि खाना स्टार्ट हो जाएगा तो खाने की व्यवस्था देखनी पड़ेगी हमको, देखते हैं। चलो आप लोग भी चाय पी लो, आ जाओ। चाय मेरे हाथ में आ चुकी है, ये रही, और उसमें से धुआं भी निकल रहा है। बाकी सारे लोग भी यहाँ पे चाय पी रहे हैं आप देखो, और मैं भी चाय पी रहा हूँ क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग चाय पी रहे हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गाइस चाय पीने के बाद में मैं भोजन पंडाल में आ गया हूँ क्योंकि भोजन की व्यवस्था देखनी है, भोजन स्टार्ट हो गया है और सब लोग यहाँ बैठते जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी देखो हम सब इसकी व्यवस्था देखते हैं, ये हमारे बच्चा है, ये सब ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं सब लगे हुए हैं। ये देखो अभी यहाँ भोजन की व्यवस्था चालू हो गई है, मतलब धीरे धीरे सब चालू हो रहा है, करते हैं इसको भी हम। तो गाइस तो हमने खाना खा लिया और सबको खाना खिला भी दिया, और अभी अब 9:30 या 10:30 बज रहे हैं और कोहरा इतनी तेज लगा हुआ है, और मैं जा रहा हूँ भजन संध्या में, उसके बाद में अगर भोजन बचेगा तो हमने जो कल किया था भोजन वितरण वही हम आज भी करेंगे, उसके बाद में चलते हैं। तो मैं पहले एक दो भजन सुनूंगा हमारी रमा किशोरी जी के, उसके बाद में जाएंगे। बाकी आप लोग कोहरा देखो 9:10 बजे, ये देखो गाइस मतलब यार कितनी ठंड होगी आप सोचो, इतना कोहरा लगा हुआ है, मेरा गला और ज़्यादा ख़राब हो गया इस कोहरे की वजह से, पूरे खांसी आ रही है, मेरा गला दर्द कर रहा है मुझे। अब मैं जा रहा हूँ भजन संध्या में, फिर देखते हैं अगर वहाँ भजन संध्या हो तो, और
उसके बाद में अगर खाना बचेगा तो हम लोग जाएंगे। इस भजन संध्या तो हो चुकी है। हमारे सौरभ दद्दा जो 24/7 रहते हैं वो अभी चाय में लगे हुए हैं। मैं उनके पास तो नहीं जाऊँगा क्योंकि वो मेरे को मारने लगते हैं। मेरा फ़ोन निकाल के देखते हो वो मेरे को मारने लगते हैं। बाकी मैं एक और आपको बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा, पहले सौरभ दद्दा दिखा दूँ चाय देते हुए। हमारे ये बैठे हुए हैं, बाकी मैं जाता हूँ। अब ये देखो कोहरा कितना लगा हुआ है यार, अभी 10 या 10:30 बजे होंगे और कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। इस मैंने बोला था कि हम आज भी खाना वितरण करने जाएंगे, बट आज क्या हुआ कि आज बिल्कुल भी भोजन बचा नहीं है, तो हमको ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। और ठंड भी इतनी तेज़ है, कोहरा इतनी तेज़ लगा हुआ है कि अगर ये दोनों अगर आज ज़्यादा आगे चले जाएँ तो मेरे को दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे इधर शैन कक्ष हैं, मतलब हमारी जो कैंप हैं वो हैं पर वो दिख नहीं रहे। इधर देखो आप, बिल्कुल कोहरा ही कोहरा। अभी ये यहाँ पर कुत्ते लड़ रहे थे वो भी नहीं दिख रहे, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। मतलब इतनी तेज़ कोहरा हो चुका है, ये देखो, और इतनी तेज़ कोहरा, ऐसा ठंड पड़ रही है। अब आप बताओ क्या होगा। और ओ भाई भाई, जितने अंदर जाते जा रहा हूँ उतनी ठंड बढ़ते जा रही है और कुछ दिख ही नहीं रहा, इतनी तेज़ कोहरा और बढ़ गया। कह रहे 5-1 मिनट यहाँ खड़े रहे तो कुछ नहीं देख रहा हो अपनी कस्टम से जहीं से जानो को नहीं देख रहा हो अपन जहाँ खड़े हैं ना जहीं से जानो को नहीं। और ये लाइट और चालू हो जाए तो और कुछ है तेरी यश तेज जय जय जगदा है। फोटो गाइस, इसको फोटो खींचने की पड़ी है। कोहरा ही कोहरा दिख रहा पूरे में गाइस, कुछ दिख नहीं रहा, कोहरा ही कोहरा। ये यहाँ पे सामने कुछ था बट वो कुछ दिख नहीं रहा, ये देखो कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। अब क्या करें, चलो तो अब जब कुछ दिख ही नहीं रहा है तो अब हम भी सोते हैं, जब कुछ काम ही नहीं है तो देखते हैं। अब चलो आप लोग से मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए जय सियाराम।